कहानी शुरू होती है 1995 बर्लिन जर्मनी से। यहाँ पर हम माइकल नाम के एक आदमी को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखते हैं। लास्ट नाइट माइकल एक औरत के साथ था और वो उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल एक फेमस लॉयर है और उसका डिवोर्स हो चुका है। माइकल की एक बेटी भी है जो फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रही है। अब कल रात माइकल जिस औरत को अपने साथ लेकर आया था, थोड़ी देर रुकने के बाद वो औरत भी वहाँ से चली जाती है। फिर माइकल विंडो से बाहर देखता है, बाहर एक ट्रैम जा रही होती है जिसको देखकर माइकल को अपनी कहानी याद आती है और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। साल है 1958। माइकल तब स्कूल में पढ़ता था और उसकी उम्र 14 साल थी। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त माइकल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो ट्रैम से उतरकर एक अपार्टमेंट के नीचे जाता है और वहाँ पर उल्टियाँ करने लगता है। तभी एक ट्रैम कंडक्टर जिसका नाम हैना था, वो आकर उसकी हेल्प करती है। वो उसका वॉमिट भी साफ करती है और उसे घर छोड़कर आती है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि माइकल को बुखार हुआ है और उसे अगले 3 महीनों तक घर पर ही रहना होगा। फिर कुछ दिनों बाद जब माइकल नॉर्मल हो जाता है तो वो अपनी मॉम को बताता है कि जिस दिन मैं बीमार था उस दिन एक औरत ने मेरी मदद की थी और वो मुझे घर भी छोड़ने आई थी। फिर उसकी मॉम माइकल से हैना का एड्रेस पूछती है ताकि वो उसे थैंक यू बोल सके। लेकिन माइकल खुद ही फ्लावर्स लेकर हैना को थैंक यू बोलने उसके घर चला जाता है। यहाँ पर हैना उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। हैना को काम पर जाने के लिए कपड़े चेंज करने थे, इसलिए वो माइकल को बाहर वेट करने को कहती है। फिर जब हैना कपड़े बदल रही थी तो माइकल उसे बाहर से देख रहा था। तभी हैना माइकल को उसे देखते हुए देख लेती है और माइकल वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद से माइकल रोज हैना को छुपकर देखता था, पर उसकी हैना के पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक दिन माइकल हिम्मत करके फिर से हैना से मिलने जाता है। वहाँ पर हैना उसे नीचे से कोयला लाने को कहती है। फिर जब माइकल कोयला लेकर ऊपर आता है तो उसके कपड़े और उसका फेस गंदा हो जाता है। अब हैना उसे कहती है कि तुम इस हालत में घर नहीं जा सकते, आओ मैं तुम्हें साफ कर दूं। और ये बोलकर वो माइकल को नहलाने लगती है। फिर वो भी अपने कपड़े उतारकर माइकल के पास आती है और उसे कहती है कि तुम यही चाहते थे ना, इसीलिए ही तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे। इस पर माइकल उसे कोई जवाब नहीं देता और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर घर वापस आने पर माइकल के डैड उससे पूछते हैं कि तुम इतनी देर कहाँ पर थे। माइकल कहता है कि मैं खो गया था। पर इस पर उसकी बहन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अपने होम टाउन में कोई नहीं खोता। पर वहाँ पर माइकल की मॉम उसको सपोर्ट करती है और कहती है कि माइकल कभी भी झूठ नहीं बोलता। फिर माइकल अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि कल से उसे स्कूल जाना है। डॉक्टर ने अभी उसे मना किया है, पर अब उसे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक है, इसलिए उसके डैड मान जाते हैं। फिर हर रोज माइकल स्कूल बंक करके हैना से मिलने जाता है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब ऐसे करते करते 3 हफ्ते बीत जाते हैं और इतने दिनों के बाद अब जाकर वो दोनों एक दूसरे से नाम पूछते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि हैना 35 साल की है और माइकल सिर्फ 14 साल का। फिर एक दिन हैना माइकल को एक बुक पढ़कर सुनाने के लिए कहती है और वो उसे ये भी कहती है कि अब से वो पहले उसे बुक पढ़कर सुनाएगा और उसी के बाद वो दोनों इंटीमेट होंगे। माइकल भी उसके लिए मान जाता है और वैसा ही करता है। फिर एक दिन माइकल हैना को अपने साथ कहीं पर घूमने के लिए इंसिस्ट करता है। वो अपने स्टैम्प कलेक्शन में से कुछ स्टैम्प्स को बेच देता है ताकि वो उसे कुछ खिला सके। फिर हैना और वो साथ में साइकिल पर घूमने जाते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश थे। माइकल हैना को प्यार करने लगा था और अब हैना भी उसे पसंद करने लगी थी। फिर वो दोनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर हैना मेन्यू कार्ड देखकर खुद से कुछ ऑर्डर नहीं करती और कहती है कि माइकल जो भी ऑर्डर करेगा वो सेम चीज हैना भी खा लेगी। लंच के बाद जब माइकल उसके पैसे देने के लिए जाता है तो वहाँ पर वेटर्स को लगता है कि शायद हैना माइकल की मॉम है। पर फिर माइकल हैना के पास आता है और उसे उस वेटर्स के सामने ही किस करने लगता है। इसके बाद वो दोनों एक तालाब में जाते हैं जहाँ पर माइकल हैना के लिए एक पोयम लिख रहा था। फिर हैना के पूछने पर माइकल उसे कहता है कि ये पोयम अभी कंप्लीट नहीं हुई। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर माइकल के हाथ में वही पोयम थी जो उसने हैना के लिए लिखी थी। इसके बाद माइकल एक केस के सिलसिले में कोर्ट जाता है और फिर जब माइकल कोर्ट रूम में बैठा था तो उसे फिर से वही पुरानी बातें याद आती हैं और यहाँ से कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है। माइकल के स्कूल में सोफी नाम की एक लड़की थी जो कि उसे बहुत पसंद करती थी, पर माइकल उसे हमेशा इग्नोर करता था क्योंकि उसे हैना पसंद थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि हैना का प्रमोशन हो जाता है और उसे काम करने के लिए ऑफिस में भेजा जाता है, पर किसी वजह से हैना इस जॉब से खुश नहीं थी। फिर माइकल के बर्थडे के दिन वो उससे झगड़ा करने लगती है। माइकल उसे जैसे तैसे मना लेता है और उस दिन वो दोनों आखिरी बार इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद हैना माइकल को बिना बताए हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माइकल हैना के घर पर आता है तो वो देखता है कि घर पूरा खाली है और हैना जा चुकी है। अब ये देखकर माइकल का दिल टूट जाता है और वो बहुत उदास रहने लगता है। इसके बाद 8 साल बीत जाते हैं। माइकल अब 23 साल का है और वो एक लॉ स्कूल में पढ़ता है। फिर एक दिन कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से एक केस देखने के लिए कोर्ट ले जाया जाता है। ये केस उन औरतों पर चल रहा था जिन पर आरोप है कि उन्होंने 300 ज्यूइश औरतों को एक जलते हुए चर्च में मरने के लिए छोड़ दिया था। वहाँ कुछ औरतें जो गार्ड की नौकरी कर रही थी उनमें हैना भी शामिल थी।
अब हैना को कोर्ट में देखकर माइकल शॉक्ड हो जाता है। माइकल हैना को भूलने की कोशिश कर रहा था, पर हैना को देखते ही उसे पिछली सारी बातें याद आने लगती हैं। उस कोर्ट में उन औरतों के खिलाफ एक विटनेस होती है जो कि एक ज्यूइश औरत थी। वो हैना को आइडेंटिफाई करती है और कहती है कि हैना रैंडमली किसी पर्सन को चुनती जो उसे बुक पढ़कर सुनाती। फिर जब हैना से पूछा जाता है तो वो एडमिट करती है कि वो लोग वहाँ पर 10 लोगों को चूज करते जिनको बाद में मार दिया जाता था। हैना ये भी बताती है कि चर्च में 300 ज्यूइश औरतों का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसे एक्सीडेंट बनाकर जो रिपोर्ट लिखी गई उस पर किया हुआ साइन भी हैना का नहीं है, पर हैना के साथ की बाकी औरतें उसके खिलाफ स्टेटमेंट देती हैं और कहती हैं कि उस दिन इंचार्ज हैना ही थी और जब चर्च में आग लगी तो उसने जानबूझकर चर्च का गेट नहीं खोला और इस इंसिडेंट की झूठी रिपोर्ट हैना ने ही लिखी थी। इसके बाद जब हैना को उसके साइन का सैंपल देने को कहा जाता है तो वो मना कर देती है और अचानक सारे गुनाह कबूल कर लेती है। अब ये देखकर माइकल को रियलाइज होता है कि हैना अनपढ़ है और वो ये सारी बातें सबसे छुपाया करती थी, इसलिए वो खुद बुक्स नहीं पढ़ती थी और उस दिन रेस्टो में भी वो खुद से ऑर्डर नहीं दे पाई थी। इसके अलावा जब उसे प्रमोशन मिला तो उसे ऑफिस जॉब मिला था, पर हैना को डर था कि इससे सबको पता चल जाएगा कि वो अनपढ़ है, इसलिए उसने वो जॉब नहीं लिया और वो दूसरी जगह जाकर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगी। अब माइकल समझ जाता है कि ये सारी औरतें मिलकर हैना को फंसा रही है। वो इसके लिए अपने प्रोफेसर से हेल्प मांगता है पर वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाते क्योंकि हैना ने खुद ही अपने गुनाह को कबूल कर लिया था और वो सबसे छुपा भी रही थी कि वो अनपढ़ है। अब उसे बचाने का एक ही रास्ता था कि उसे सबके सामने कबूल करना होगा कि वो अनपढ़ है। अब ये बात माइकल हैना को बताने और उससे मिलने के लिए जेल भी जाता है, पर वो उससे मिले बिना ही वापस आ जाता है क्योंकि जो तकलीफ हैना ने उसे दी थी वही तकलीफ वो हैना को भी देना चाहता था। फिर अगले दिन कोर्ट में हैना को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और बाकी औरतों को सिर्फ 4 साल की ही सजा मिलती है। अब इसके बाद से ही माइकल अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। वो शादी कर लेता है और उसकी जूलिया नाम की एक बेटी भी होती है, लेकिन माइकल कभी भी अपनी वाइफ को प्यार नहीं कर पाया। वो अभी भी हैना को ही प्यार करता था और इसी वजह से उसका डिवोर्स हो जाता है और उसकी बेटी भी उससे दूर हो जाती है। फिर एक दिन माइकल को वही पुरानी बुक्स मिलती हैं जो वो हैना को पढ़कर सुनाया करता था। फिर माइकल उन बुक्स को रिकॉर्ड करता है और उन रिकॉर्डिंग्स को हैना को भेजता है। उधर हैना उन रिकॉर्डिंग्स को सुनकर और जेल की लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर खुद ही पढ़ना और लिखना सीख जाती है। इसके बाद हैना माइकल को कुछ लेटर्स भी लिखती है पर माइकल उसका कोई जवाब नहीं देता। अब जेल में हैना को 20 साल हो जाते हैं और आज उसे फाइनली छोड़ा जा रहा है। हैना के छूटने के एक हफ्ते पहले माइकल उससे मिलने आता है। वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है और उससे अच्छे से बात भी नहीं करता। हैना उसे कहती है कि उसके गार्ड बनने के बाद उसने जो भी गलती की थी उसे उस चीज का बहुत पछतावा है। फिर जिस दिन वो रिहा होने वाली थी उस दिन माइकल उसे रिसीव करने जाता है, पर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि हैना ने खुदकुशी कर ली है। जाने से पहले हैना माइकल के लिए एक लेटर और कुछ पैसे छोड़कर जाती है। उस लेटर में लिखा था कि ये पैसे हैना की पूरी जिंदगी की कमाई है और वो चाहती है कि इन पैसों को उन ज्यूइश परिवार के लोगों को डोनेट कर दिया जाए जो उस दिन चर्च में जलकर मर गए थे, और वो ये काम माइकल को करने के लिए कहती है। फिर कहानी के लास्ट में हम देखते हैं कि माइकल अपनी बेटी जूलिया से मिलता है जो कि रिसेंटली पेरिस से वापस आई थी और वो अब 21 साल की हो चुकी थी। इसके बाद माइकल जूलिया को हैना की कब्र के पास लेके जाता है और उसे अपनी और हैना की लव स्टोरी के बारे में बताता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।